Hello dear all, welcome to our channel Smart Indian Model School. Smart Indian Model School present Smart Indian EduFun classes. EduFun online classes includes course Studies of Playgroup 2 Class 12, Emotional and Communication Skills, Happiness Classes and DIY Activities. Hello dear students, I am your SST teacher Swati Rajput. Students, in this video we will read about heat zones of the earth. इससे पहले वाले वीडियोस में स्टूडेंट्स हमने कुछ इम्पॉर्टेंट्स पैरेलल्स ऑफ लैटिट्यूड्स पढ़े थे, जिसमें हमने इक्वेटर के अलावा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन, आर्कटिक सर्कल और अंटार्कटिक सर्कल के बारे में पढ़ा था. ओके स्टूडेंट्स, हमारी बुक में पेज नंबर 11 पर एक डायग्राम दिया गया है, फिगर 2.3, इम्पॉर्टेंट लैटिट्यूड्स एंड हीट जोन्स. अब देखिए, अगर हम इस फिगर के सेंटर में देखते हैं, जो इक्वेटर के पास जो एरिया है जो ग्रीन से शो हो रहा है, तो उसको क्या बोला गया है, यहाँ पे टॉरिड जोन. ठीक है, इसके अपर वाला जो एरिया हम देखेंगे जो थोड़ा पिंक कलर में है, तो इस एरिया को हमने क्या बोला है, टेम्परेट जोन. ठीक है, अगर और इससे ऊपर देखें हम, सबसे जो एक हाफ सर्कल सा बना हुआ है जो ग्रे कलर से शो हो रहा है, वो है हमारा फ्रिजिड जोन. तो अब स्टूडेंट्स, हम वन बाय वन इन जोन्स के बारे में पढ़ेंगे. ओके, लेट्स स्टार्ट. तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे टॉरिड जोन के बारे में. ओके, द मिड डे सन इज एग्जैक्टली ओवरहेड एट लीस्ट वंस अ ईयर on all latitudes in between the Tropic of Cancer and the Tropic of Capricorn. It means a student कि जितने भी हमारे latitudes Tropic of Cancer और Tropic of Capricorn के बीच में आते हैं, उन सभी पर year में एक बार जो sun है वो दोपहर के time सर के ठीक ऊपर होता है. Okay, this area therefore receives the maximum heat and is called the torrid zone. It means इसीलिए इन एरियाज को सबसे ज़्यादा हीट रिसीव होती है, क्योंकि सन डायरेक्ट हमारे सर के ऊपर होता है इन एरियाज में, तो इनको सबसे ज़्यादा हीट रिसीव होती है और इसीलिए इनको हम टॉरिड जोन्स कहते हैं. क्लियर. नेक्स्ट जोन जो है हमारा, वो है टेम्परेट जोन. द मिड डे सन नेवर शाइन्स ओवर हेड ऑन एनी लैटिट्यूड बियॉन्ड द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड द ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन. इट मीन्स स्टूडेंट्स, फिगर में जो एरिया हमें ऑरेंज कलर में शो हो रहा है, जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के ऊपर है और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन के नीचे है, ठीक है, तो उन एरियाज़ में क्या होता है, जो सन होता है दोपहर में, जो सन होता है वो सर के ऊपर कभी भी नहीं होता है. क्यों? क्योंकि इधर की तरफ, इन एरियाज़ की तरफ जो सन रेज हैं वो थोड़ी तिरछी हो जाती हैं. देखिए, जो सन रेज हैं वो किस एरियाज़ में सीधी पड़ती हैं, इक्वेटर पर. ठीक है, जो हमारा टॉरिड जोन था बीच में जो ग्रीन शो कर रहा है, ठीक है, और जब हम ऑरेंज कलर का जो एरिया है जो हमारा टेम्परेट जोन है, वहाँ पर सन रेज थोड़ा सा तिरछी होकर पड़ती हैं. ठीक है, दिस जोन हैज़ मॉडरेट टेम्परेचर्स. तो इसी रीज़न से स्टूडेंट्स, क्योंकि यहाँ पर सन रेज तिरछी पड़ती हैं, तो यहाँ का जो टेम्परेचर है वो हमेशा मॉडरेट रहता है. ठीक है, यानी कि मीडियम रहता है, ना ज़्यादा गर्मी होती है ना ज़्यादा ठंड होती है. ओके, चलिए स्टूडेंट, अब हम अपना थर्ड जोन देखते हैं, जो है हमारा फ्रिजिड जोन. अब हम देखेंगे कि फ्रिजिड जोन क्या होते हैं. एक बार फिर से हम फिगर को देखेंगे. देखिए स्टूडेंट, फिगर में जो शो हो रहा है, आर्कटिक सर्कल से ऊपर और नॉर्थ पोल तक जो एरिया है हमारा, वो फ्रिजिड जोन है. और नीचे हम साउथ में देखेंगे, साउथ पोल की तरफ, तो अंटार्कटिक सर्कल जहाँ से स्टार्ट हो रहा है और आपके साउथ पोल तक जो एरिया है वो आपका फ्रिजिड जोन है, जो आपको ग्रे कलर से शो हो रहा है. ओके, दीज एरियाज़ आर वेरी कोल्ड.
इट इज़ बिकॉज हेयर द सन डज नॉट राइज मच अबव. देखिए स्टूडेंट, इनको फ्रेजिड जोन इसलिए कहा गया है क्योंकि ये एरियाज़ बहुत ज़्यादा ठंडे होते हैं और या जमे हुए होते हैं. ठीक है, क्यों होता है ऐसा? बिकॉज़ ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो सनरेज़ हैं हमारी वो यहाँ पर पहुँच नहीं पाती है, या फिर बहुत कम कहें हम कि बहुत कम सन रेज ही यहाँ पर पहुँच पाती है. ठीक है, तो इसीलिए हम इस जोन को फ्रीजिड जोन कहते हैं. ठीक है, होप सो स्टूडेंट आपको ये तीनों जोन्स यहाँ पर अच्छे से क्लियर हो गए होंगे, टॉरिड जोन, टेम्परेट जोन और फ्रीजिड जोन. नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे व्हाट आर लॉन्गिट्यूड्स. ओके, थैंक यू. यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो आगे की वीडियो की नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए कृपया बेल बटन दबाएं और चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें. प्लीज सब्सक्राइब अवर चैनल ऑफ एडुफन क्लासेस. थैंक यू फॉर वॉचिंग.